नाट लेट्स लुक एट वेरिएबिलिटी इन एक्टिविटी टाइम ये नहीं है कि जो एक्टिविटी टाइम है वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट होता है उसके अंदर वेरिएबिलिटी हो सकती है ठीक uh, है चांसेस आर के हमारा जो टाइम है इट रेंजेस हम कहेंगे कि जी इट रेंजेज बिटवीन लेट्स टू टू सिक्स वीक्स और समथिंग लाइक दैट क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर जैसे मैंने बताया था कि ये डेवलप किया था ड्यूपोन् ने विच इज़ अ केमिकल कंपनी और वो उनके बेतहाशा प्लांट्स हैं स्टेट्स में तो उन्होंने उन प्लांट्स के मेंटेनेंस के लिए उन्होंने ये डेवलप किया था क्रिटिकल पाथ मेथड और उसको क्योंकि उनको एक्टिविटी ओवर द इयर्स परफॉर्म कर रहे थे तो उनको एक्चुअली ऑलमोस्ट एक्यूरेटली पता था कि हर एक्टिविटी कितना टाइम लेगी तो उसके लिए उन्होंने क्रिटिकल पाथ मेथड का आ, ये डेवलप किया और उसमें एक्टिविटीज थी उसमें कोई वेरिएबिलिटी नहीं थी आ, उनके मुताबिक जबकि पर्ट जो थी क्योंकि वो पोलरस मिसाइल सिस्टम के लिए डेवलप किया था जो कि पहली बार डेवलप हो रहा था तो उसके अंदर आइडिया नहीं था कि हर एक्टिविटी कितना टाइम लेगी तो वो आ, एस्टिमेट ही हो सकता था सब्जेक्टिव किस्म के एस्टिमेट uh, था कि जी मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या हो सकता है जल्द जल्द कितने टाइम में कंप्लीट कर सकता है मोस्ट पैसिटिक टाइम क्या हो सकता है जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तो वो कि ज्यादा से ज़्यादा टाइम कितना ले सकता है एंड वॉट इज द मोस्ट लाइकली टाइम तो ये टोटली totally सब्जेक्टिव था तो इसमें वेरिएबिलिटी इन्वॉल्व uh, थी अच्छा ये जो बेसिकली टाइम का डिटरमिन किया है उसके अंदर बीटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज किया गया है तो थ्री टाइम एस्टिमेट जैसे मैंने बताया ऑप्टिमिस्टिक टाइम द स्मॉलेस्ट टाइम पॉसिबल जिसमें एक्टिविटी कंप्लीट हो सकती है मोस्ट लाइकली टाइम के चांस क्या रियलिस्टिक टाइम क्या हम समझते हैं और पैसमिस्टिक टाइम बट जरूरी नहीं है कि ये सारे टाइम जो हमने बताए हैं बिल्कुल ठीक ही हों इसके अंदर भी वेरिएबिलिटी होगी क्योंकि ये हम पहले हमने ये परफॉर्म नहीं की तो हमें नहीं पता कि ये एक्टिविटीज एक्चुअली कितना टाइम लेंगे अब जैसे मैंने बताया कि बी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है एस्टिमेट तो उसके अंदर एक्सपेक्टेड टाइम की जो उन्होंने कैलकुलेशन रखी हुई है वो है द ऑप्टिमिस्टिक टाइम विच इज ए plus 4 times the most likely time plus pessimistic time which is b so a plus 4m plus b this whole divided by 6 6k six number a to average lene ke liye we have to divide it by 6 and that we will get expected time for the activity or variance of times is the uh, पेसिमिस्टिक टाइम विच इज द लार्जेस्ट टाइम ठीक है इस एक्टिविटी का जो हमने सजेस्ट किया माइनस द ऑप्टिमिस्टिक टाइम विच इज द मिनिमम टाइम दिस होल डिवाइडेड बाय सिक्स और इसको स्क्वेयर कर लें तो दैट इज द वेरिएंस जो के हम आगे चल के यूज करेंगे ये इनकी हमें जरूरत पड़ती है तो दैट इज वेरियंस एंड एक्सपेक्टेड टाइम की कैलकुलेशन अब इसके अंदर हमने एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट किया है एंड वेरिएंस हर एक्टिविटी का तो उसके अंदर हमें गिवन है कि जी ए की जो हमने हमें वैल्यूज दी हुई हैं वो है कि जी ऑप्टिमिस्टिक टाइम इज वन वीक वन वीक में कंप्लीट हो सकता है पेसिमिस्टिक टाइम इज थ्री वीक्स एंड मोस्ट लाइकली टू वीक्स के अंदर कंप्लीट होगा इसी तरह बी का है कि टू थ्री एंड फोर रिस्पेक्टिवली ये टाइम्स हैं जी को देखें तो हम कहते हैं कि जी ऑप्टिमिस्टिक हमें बताया है कि थ्री वीक्स में कंप्लीट हो सकता है मोस्ट लाइकली इट विल बी कंप्लीटेड इन फोर वीक्स बट इसमें चांसेस हैं कि इसमें डिलेज हो जाए और ये एलेवन वीक्स uh, का टाइम ले ले तो दैट स्पेसमिस्टिक टाइम जो कि दिया अब इसी बेसिस के ऊपर इन को हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट करके वैल्यूज डिटर्मिन किए हैं सो दीज आर द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी जो कि इधर हमने नोट डाउन कर ली है और वेरिएंस बी माइनस ए डिवाइडेड बाय सिक्स होल स्क्वेयर तो ए का पॉइंट वन वन वेरियंस आ रहा है बी का पॉइंट वन वन आ रहा है सी का पॉइंट वन वन आ रहा है एंड सो ऑन ये सारे वेरिएंस हमने डिटरमिन कर लिए हर एक्टिविटी का कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो ये एक्टिविटीज़ हैं इनका क्या वेरिएंस है और क्या एक्सपेक्टेड टाइम है क्योंकि आगे चलकर ये हमने यूज करना है to find the project variance and project standard deviation or what are the probability this project 15 weeks 18 weeks may complete hoga yes so on so forth so we need these variances and expected time of these activities